आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। यूपीआई पेमेंट में भारतीयों ने बनाए नए रिकॉर्ड। दुनिया में भारत बना है नंबर वन। भारत तेजी से डिजिटल इंडिया में बदल रहा है। यहां लोग डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। इस बात का पता इसी चीज से लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीयों ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। कोरोना से बचाव के मद्देनजर लोगों ने कैश पेमेंट के बजाय यूपीआई पेमेंट को प्राथमिकता दी है, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया यानी NPCI ने जारी जो आंकड़े किए हैं, आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2020 में यूपीआई ट्रांजेक्शन में 103% से ज्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। वही साल 2019 में भारत में कुल यूपीआई ट्रांजेक्शन 2,02,000 करोड़ के पास था। वही साल 2020 में ये बढ़कर 4,16,00,000 के पार चला गया। वही 16,000 करोड़ रुपए के पार चला गया। वही 2020 में जहां ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कोरोना से बचाव हुआ, वही अधिकतर पेमेंट मिलने वाले कैशबैक के ऑफर से लोगों की बचत भी यहां पर हुई है। वही साल 2016 में नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की मुहिम शुरू की थी। इसके चलते भारत में यूपीआई ट्रांजेक्शन की शुरुआत हुई थी। इस मुहिम के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत में काले धन पर लगाम लगाना और लोगों की सहूलियत के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना था। वही साल 2020 में आई FIC या पर FIS की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में रियल टाइम कैशलेस पेमेंट ट्रांजेक्शन के मामले में भारत पहले नंबर पर था। भारत में रोजाना 4 करोड़ से ज्यादा का कैशलेस ट्रांजेक्शन किया गया था। ऐसी खबरें आ रही थी कि नए साल से यहां पर यूपीआई ट्रांजेक्शन महंगे हो जाएंगे, थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट करने पर अतिरिक्त चार्ज लगेगा, लेकिन NPCI ने कहा है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। वही कॉरपोरेशन का कहना है कि इस तरह का कोई चार्ज यहां पर नहीं लिया जा रहा है, लोगों को बिना किसी चिंता से यूपीआई ट्रांजेक्शन को यहां पर जारी रखना चाहिए। असम सरकार की अनूठी पहल, स्कूल जाने वाले छात्राओं को प्रतिदिन मिलेंगे 100 रुपए। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्राओं के प्रतिशत में कमी लाने के लिए अनूठी पहल यहां पर सरकार ने शुरू की है। सरकार ने बालिका शिक्षा को मजबूती देने के लिए नियमित स्कूल जाने वाले छात्राओं को प्रतिदिन 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय असम सरकार ने लिया है। इसके अलावा सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए किताबों खरीदने के लिए यहाँ पर 2,000 रुपए अलग से देने का निर्णय यहाँ पर सरकार ने लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा ने यहाँ पर शिवसागर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि सरकार छात्राओं को नियमित स्कूल आने पर उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए देगी। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाले छात्राओं के बैंक खाते में जनवरी के अंत तक 1,500 से 2,000 रुपए सरकार जमा कराएगी। वही छात्राएं इस राशि का उपयोग पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने में कर सकती है। वही शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने ये योजना पिछले साल बनाई थी। योजना के तहत स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन मुहैया कराना था। इसका उद्देश्य राज्य में छात्राओं की बढ़ती ड्रॉप आउट को कम करना है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इस कल्याणकारी योजना को लागू हम नहीं कर सके। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना को विधानसभा चुनाव से पहले छात्राओं को लुभाने की स्कीम के तौर पर देखा जा रहा है। वह शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा है कि शिवसागर में अब तक 948 छात्राओं को स्कूटी मिल चुकी है। इसके अलावा सरकार आगे भी छात्राओं को स्कूटी वितरण करना जारी रखेगी। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर, गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, मंडी समितियों में जल्द होगी 511 LDC भर्ती। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार नए साल पर बेरोजगारों युवाओं को लिपिक भर्ती का बड़ा तोहफा अशोक गहलोत सरकार देने जा रही है। प्रदेश की मंडी समितियों में जल्द ही 511 LDC भर्ती की जाएगी। वही मंडियों में LDC के साथ साथ सूचना सहायक समिति के विशिष्ट न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरण में भी रोजगार के द्वार यहाँ पर राजस्थान सरकार की ओर से खोले गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में नए चाल के चौथे दिन यहाँ पर एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने मंडियों में LDC के 511 पदों पर नई भर्ती करने का यहाँ पर फैसला किया है। ये नई भर्ती की जाएगी। वही मंडियों में सूचना सहायक के 253 पद सर्जित करने की भी यहाँ पर प्रशासनिक स्वीकृति यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार की ओर से दी गई है। इसके अलावा विशिष्ट न्यायालयों में 6 विभिन्न पदों पर सर्जन को यहां पर मंजूरी दी गई है, जबकि विधिक सेवा प्राधिकरण में वाहन चालकों के 5 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी पदों के लिए जल्द ही राजस्थान में भर्ती परीक्षा शुरू होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती को लेकर जल्द ही रीट की परीक्षा भी आयोजित होने जा रही है। राज्य सरकार ने रीट भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये घोषणा उन्होंने की थी कि रीट परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। वही राज्य सरकार की मंशा है कि भर्ती से जुड़े मामले जल्द से जल्द राजस्थान में पूरे किए जाए, ताकि रोजगार की राहें ताक रहे युवाओं को राहत मिल सके। इसके लिए सरकार ने सभी
भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। वहीं भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी के लिए भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े जो मामले कोर्ट में अटके हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ पर निस्तारित राजस्थान सरकार करवा रही है। ये भी निस्तारित यहाँ पर सरकार करवाए। इसके तहत अशोक गहलोत सरकार लगातार विभिन्न विभागों में भर्तियों की घोषणा यहाँ पर अशोक गहलोत सरकार कर रही है। तमिलनाडु के लोगों के खाते में सरकार जमा कर रही है 2500 रुपए। तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वहां की पलानीस्वामी सरकार प्रदेश के 21 करोड़ लोगों को 2500 रुपए गैस और मुफ्त में चावल, चीनी और काजू, इलायची और कपड़े देने यहां पर तमिलनाडु सरकार जा रही है। सरकार का कहना है कि 14 जनवरी को पोंगल त्योहार है, इससे पहले ये उपहार के रूप में यहां पर बांटा जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसका विरोध यहां पर कर रहा है। पोंगल गिफ्ट बांटने की शुरुआत यहां पर आज से ही की गई है। वह राज्य के जिन जो लोगों के पास राशन कार्ड है, राइस कार्ड है, उन्हें यहाँ पर उसका फायदा मिल रहा है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना के कारण लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। पिछले साल उन्होंने निवार और बुरेवी चक्रवात में भी यहाँ पर लोगों ने इस चक्रवात का सामना किया था, उनके सामने यहाँ पर खाने का संकट पैदा हो गया। ऐसे में सरकार पोंगल त्योहार के मौके पर गिफ्ट के रूप में अनाज, केसरी और यहाँ पर इलायची वगैरह देने जा रही है। इसके आगामी विधानसभा चुनाव से कोई लेने देना नहीं है, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने 21 दिसंबर 2020 को यहां पर ऐलान किया था कि पोंगल गिफ्ट के रूप में सरकार इस साल 5,765 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी और 2 साइक्लोन का सामना करने के बाद प्रदेश के किसानों की हालत बिगड़ गई है। वहीं रंगारंजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि इस साल किसान और मजदूर वर्ग और अन्य लोग पोंगल मनाने की स्थिति में नहीं है। वहीं कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने पोंगल गिफ्ट देने का यहाँ पर फैसला किया है। वही यहाँ पर मुफ्त में अनाज बांटने का काम तमिलनाडु में शुरू हो चुका है। वही सरकार की तरफ से घोषणा के बाद यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप कार्ड होल्डर को यहाँ पर कूपन बांटने में सरकार जुट गई है। राशन की दुकानों के सामने भीड़ नहीं लगे, इसलिए कार्ड होल्डर के घर कूपन पहुँचाए जा रहे हैं। एक दिन में सुबह और शाम मिलाकर कुल 200 कूपन यहाँ पर बांटे जाते हैं। पोंगल गिफ्ट बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सरकार ने करोड़ों पेंशनरों को दिया है बड़ा गिफ्ट। अब डाकिया घर आकर बनाएगा आपका जीवन प्रमाण पत्र। अगर आपको भी पेंशन मिलती है तो ये आपके लिए खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने हाल में ही सेवानिवृत्त बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए नई सेवा शुरू की है, नई सर्विस शुरू की है, जिसमें दिव्यांग और बुजुर्गों को जीवन प्रमाण पत्र बनने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आपके घर बैठे ही आपका यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब पोस्टमैन आपके घर आकर आपका जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। इसके लिए आपको नजदीकी पोस्टमैन से संपर्क कर उसे सूचना देनी होगी। उसके बाद पोस्टमैन संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाएगा। ये योजना क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इंडिया पोस्ट की पेमेंट की ओर से डोर स्टेप सर्विस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना यहाँ पर सरकार की ओर से शुरू की गई है। इसके लिए पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन डाउनलोड कर उस पर आपको सूचना देनी होगी, या फिर घर के नजदीक स्थित डाकघर में इस सर्विस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वही अब आप पूछेंगे इसमें कौन कौन इसमें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर जरूरी है। इसके अलावा PPO नंबर, मोबाइल नंबर डाकघर में आपको देना होगा। वही पोस्टमैन आधार के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करेंगे, जो खुद ही पेंशन जारी करने वाले से संबंधित विभाग या फिर बैंक में अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। वही यहाँ पर IPP के माध्यम से DLC जमा कराने के लिए यहाँ पर डोर स्टेप सर्विस का लाभ के लिए पेंशन भोगी IPPBonusOnline.com पर विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते। MP में पत्थरबाजी की तो होगी कड़ी कार्रवाई। शिवराज सरकार बनाने जा रही है सख्त कानून। लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के बाद मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाएगा। इस कानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे। इस बारे में उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक महीने के भीतर इस कानून को यहाँ पर प्रारूप इस कानून का प्रारूप तैयार कर दिया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे अमल में लाया जाएगा। इस कानून के तहत पत्थरबाजों के खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई के प्रावधान करने की तैयारी सरकार कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले लव जिहाद को लेकर कानून बन चुका है। विधानसभा सत्र न होने की वजह से सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला किया है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मिले हैं 16,505 नए मरीज। 214 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में हर दिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या में अब गिरावट आ रही है। धीरे धीरे यहां पर गिरावट आना शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर भारत में 16,505 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 24 घंटों में 214 लोगों की मौत भी हुई है।
जबकि 19,557 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। देश में अब तक यहां पर 1,03,40,470 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 99,40,867 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 1,49,749 मरीज की मौत भी हो चुकी है कोरोना के कारण। वही केरल और महाराष्ट्र को छोड़ दे तो बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से कम यहाँ पर नए मरीज मिल रहे हैं। इससे अच्छी बात यह है कि मरीजों की संख्या काफी घटी है। फिलहाल 2,43,953 मरीज ऐसे हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में यहाँ पर देश भर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं अब तक कुल आबादी का लगभग 13% हिस्सा यानी 17.4 करोड़ टेस्ट भारत में किए जा चुके हैं, जिनमें 5.9% लोग संक्रमित मिले हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में हर 100 टेस्टों में सिर्फ 6 लोग ही कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,40,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। बिहार में 1 करोड़ और 90 लाख के आसपास कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में 1,40,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1,30,00,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट किए गए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 1,20,00,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। वहीं पॉजिटिविटी की बात करें तो महाराष्ट्र में 15% के साथ सबसे ऊपर महाराष्ट्र है। इसके बाद गोवा 12.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। चंडीगढ़ 10.8 और नागालैंड में 9.9% पर पॉजिटिविटी रेट है। वहीं लद्दाख में 9% में इसका नंबर आता है, जबकि सबसे ज़्यादा केस केरल में 65,377 और महाराष्ट्र में 53,137 फिलहाल एक्टिव केस है। वहीं रात की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट भारत में दर्ज की जा रही है। भारत में कोरोना से मृत्यु 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 96% से ज़्यादा है। एक्टिव केस 2.5% से भी कम भारत में बचे हैं। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज़्यादा रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी का 52% मामले इन 5 राज्यों से। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 424 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।